खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे देश में एक दुख भरी घटना घटी। एक साथ पुलवामा में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए। उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जहां हर धर्म के गुरु के साथ हर पार्टी के नेता भी नजर आए। फिर कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, कांग्रेस के मोहसिन हैदर तो शिवसेना के गजानन कीर्तिकर, तो भाजपा के भारतीय ताई लवेकर, तो समाज सेविका सुंदरी ठाकुर। आपको बता दें कि अजय कॉल के इस अथक प्रयास को हम सब सलाम करते हैं। साथ ही देश की इस दुख भरी घड़ी में हम एक साथ हैं, यह भी नजर आया। हम भी देश के उन 42 शहीदों को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बड़ा हादसा है और हम सारे हिंदुस्तानी चाहते कि इसका पाकिस्तान को कोई, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अंश में उसका प्रतिकार करना चाहिए। ये लगातार होते जा रही है, ये हमारी भूमि में यानी भारत व्याप्त कश्मीर में, जम्मू के कश्मीर के रोड के ऊपर ये हमला करने की उन लोगों ने जो नौबत डाली है उसके लिए प्रतिकार करना, हम पाकिस्तान से जंग लेना चाहिए, यह अभी वक्त नज़दीक आया है। सर, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहता हूँ मैं, अभी ये सरकार से हमारी मांग है, मैं कहता हूँ ये सरकार से कोई पॉलिटिकल उसमें जुमलेबाजी नहीं है, लेकिन ये भावना है भारत के सभी नागरिकों की कि अभी वक्त आ गया कि पाकिस्तान को कोई अभी अच्छे ढंग से आप उसको प्रतिकार करो, युद्ध करो। हा जो भ्याड हल्ला झालेला आहे त्याचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतो आहोत। अतिशय वाईट अशा पद्धतीचा हा हल्ला होता। जे जवान आमच्या देशाचं रक्षण करत आहेत आणि त्यांच्या जीवावरती त्यांनी जे काही काम केलंय त्यावरती आम्ही सुखाने झोपतो आहोत। अशा जवानांचा बळी जाणं, हत्या होणं हे आमच्यासाठी खूप लाजिरवाणं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की वेळ आलेली आहे आणि पाकिस्तानला थोडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे। आणि मी मोदीजींचं आभार मानते की त्यांनी सेनेवरती संपूर्णपणाने आता जबाबदारी दिलेली आहे की जे काही डिसिजन घ्यायचं आहे ते त्यांनी घ्यावं आणि या आतंकवाद्यांना आणि ह्या जे सपोर्ट करत आहेत त्या देशाला त्या ठिकाणी धडा शिकवण्याचं त्यांनी सांगितलेलं। समझ ले के ये करके वो हिंदुस्तान को और एक कर रहे हैं, वो हमें और जुड़ा रहे हैं। दे आर डूइंग द वर्क ऑफ सीमेंट एंड दिस टाइम वी नीड टू प्रूव इट टू देम कि हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, ये चुप नहीं रहेगा और उनका मुंह तोड़ जवाब दे। मुझे बहुत खेद है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। बहुत दुख होता है कि ऐसा इंसिडेंट अपने देश में हुआ है। हम सब परिवार के जो जवान या शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सदा उनके साथ रहेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी जो है, जो ऐसा कुछ होता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। पर कोई दुख में है क्योंकि जो हमारे सैनिकों ने जान गंवाई है उसके उनके साथ उनके परिवारों के साथ पूरा देश उनके साथ शामिल है। जैसे मैंने कहा कि ये फैमिली के लिए एदे पेरे पे लॉस है, ये लॉस को कोई भी भर नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ हम लोग उनके दुख में उनके साथ खड़े रह सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं विविधता में एकता भारत की विशेषता। शायद ये विशेषता आज आपको यहाँ देखने के लिए मिली कि हर कोई जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है या देश पे कोई कठिनाई आती है सब लोग इकट्ठे एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देते। अच्छा सर, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए अब? देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कुछ लोग सिर्फ रिएक्शन की भाषा से हम समझ सकते हैं तो रिएक्शन होना ज़रूरी है।